हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉमिक जोन। 25 जनवरी को हारोगे केआरके को ट्रोल किया एसआरकेएंस ने, तो क्या है पूरी खबर आइए जानते हैं। कमाल राशिद खान यानी केआरके जाने जाते हैं कंट्रोवर्सी ट्वीट्स और भड़काऊ कमेंट्स के लिए। केआरके ने अपने करियर में कुछ फिल्में भी की है और वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट से सुर्खियों में बने रहते हैं। केआरके ने पठान मूवी और ब्रांडिंग प्रमोशन को बता दिया फ्लॉप। जैसे कि केआरके अपने नेगेटिव ट्वीट्स के लिए जाने जाते हैं, इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कर दिया पठान मूवी को लेकर। तो होना क्या था, केआरके के पठान के लिए नेगेटिव ट्वीट पड़े उन्हीं पर भारी, लिया पंगा शाहरुख खान के फैन बेस से। दरअसल केआरके ने ट्वीट कर लिखा, पुअर हैशटैग एसआरके फैंस, आप लोगों की किस्मत में सिर्फ हारना ही लिखा है। 25 जनवरी को फिर हारोगे, हारने के बाद रोना आएगा, रोते रोते मुझे गालियां देना, मैं जोर जोर से आपकी किस्मत पर हंसूंगा। और वहीं इसी का जवाब देते हुए जॉनी राइडर नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, अरे बुड्ढे ये तेरा घमंड ही तुझे ले डूबेगा, बहुत जल्द देखते हैं 25 को। प्रभात सिंह नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, दूसरों की किस्मत को कोसने वाले जरा खुद के अंदर झांक, वो तो गालियां खा के भी अमाउंट वसूल लेगा, बट तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें तो शुरू से ही करोड़ों लोग गालियां देते हैं और देते रहेंगे, तुम्हें क्या फैंडम बनाना है गालियां खा खा के। शेख नावेद आलम ट्विटर हैंडल से लिखा गया, कुछ देर पहले तूने ही बोला था कि मूवी पोस्टपोन होने वाली है, अब तू खुद ही 25 जन की बात बोल रहा है, भाई तू पहले कन्फर्म हो जा। कैफी करीमी नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, वो इंडस्ट्री में पावर रखते ही बाजीगर बन गया, समझे वो कभी हारा नहीं है ना हारेगा कभी, वो एसआरके है केआरके नहीं, तुझे क्या लगता है मूवी ना चलने से उसे कोई फर्क पड़ेगा, लास्ट मूवी फ्लॉप हुए 4 साल का गैप है, फिर भी वो किंग है समझा, भगवान ने दिया है दिमाग को थोड़ा यूज करो। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।